अराउंड 360 रुपीज़ का पैकेट होता है, इसके अंदर 6 दर्जन होता है। ये 100 रुपीज़ का एक पैकेट होता है, इसके अंदर 100 पीसेज होते हैं, यानी एक बना दिया तो ये पूरा पैकेट 280 रुपीज़ का होता है, 72 पीसेज का, 500 रुपये तक का एक बटन पड़ता है। मैन्युफैक्चर्ड बटन है यहाँ के, बस आपको तकरीबन 10-15 रुपये का एक बटन पड़ता है। ये भी बड़ा साइज़ है, ये थोड़े से यूनिक और फंकी लुक देते हैं। अच्छा, ये 350 का मिलता है, 6 डजन का पैकेट है, ये आपको 25 रुपीज़ का पड़ेगा। ये वाला 30 रुपीज़ का, बट 160 का पड़ता है, जिसके जेंट्स वैरायटी में बटन आते हैं, क्योंकि जेंट्स में ज़्यादा सिलेक्शन होती है। तकरीबन आपको 5 रुपये का एक पीस पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज आए हुए हम एसए ट्रेडर्स, और माशाल्लाह से मामू बटन के नाम से ये बहुत मशहूर दुकान है, और इनके पास बटन की जो क्वांटिटी है बहुत ही ह्यूज और बहुत ही तादाद में। तो चलें हम इनसे प्राइस भी पता करेंगे, मगर ये जो शॉप जो है होलसेल शॉप है, और इनके पास वैरायटी जो है बहुत ही यानी कि क्वांटिटी में मिलती है। तो आने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो पूरे बंच में होती है, और बंच में जो है ना उसमें दर्जन में हिसाब होते हैं। तो चलें वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें हम इनसे प्राइस का पता करते हैं, और मामू बटन वाले शॉप पर आके इनसे सारी डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा नाम बताइएगा पहले तो। अली नाम है मेरा। अली भाई, अच्छा अली भाई, माशाल्लाह से ये मामू बटन वाली शॉप पे तो माशाल्लाह से बहुत ही ह्यूज वैरायटी है। तो मैंने कहा चले हम अपने व्यूअर्स को क्यों ना ये दिखाएं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बटन है जो कि बहुत ही ह्यूज क्वान्टिटी में है। चले अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, और आप भी जो बटन की जो वैरायटी है मुझे वैरायटी दिखाएं और उनके प्राइस बताएं। जी मैं बता देता हूँ, वैसे तो हमारे पास मोस्टली लेडीज़ में वैरायटीज़ ज़्यादा होती हैं, हम लेडीज़ जेंट्स दोनों टाइप के बटन्स में काम करते हैं, लेकिन ये एक होलसेल शॉप है तो हमारे पास क्वांटिटी इसकी जो होती है वो बंच में होती है। लिमिटेड क्वांटिटी पे काम नहीं होता, हमेशा क्वांटिटी आपके अबव 200 पीसेस से ऊपर एक पैकेट ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें नॉर्मल साइज़ बटन होते हैं, ये मीडियम साइज़ होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के अंदर आते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है, ये अभी चल रही है, ये कपड़े के बने हुए बटन होते हैं, ये सब चाइना से इम्पोर्टेड होते हैं, यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड कोई बटन नहीं होता। और इसी तरीके से मीडियम में, स्मॉल में, और अलग अलग वैरायटी के डिज़ाइंस के बटन होते हैं। चलिए मुझे हमारे व्यूअर्स के लिए जो है ना आप बटन भी दिखाएं, और उनके क्या प्राइस हैं, प्राइस भी बताएं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ जरा सा। अच्छा ये जो है ये 36L का होता है, तकरीबन ये 25mm तक का बटन होता है, इसके अंदर नग लगे हुए होते हैं, इसकी प्राइस अराउंड 360 रुपीज़ का पैकेट होता है, इसके अंदर 6 दर्जन होते हैं, यानी 72 पीसेस। अंदर अराउंड 16 कलर्स होते हैं, रेड 16 कलर्स होते हैं, जिसमें रेड, मैरून सारे मेन कलर्स जो होते हैं वो। ये बटन होते हैं, ये कपड़े से बने हुए होते हैं, ये 2 पार्ट में बने हुए होते हैं। अगर आप इसमें क्लोजली देखें तो इसके अंदर नीचे एक मेटल की शेल होती है, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है। ये 100 रुपीज़ का एक पैकेट होता है, इसके अंदर 100 पीसेस होते हैं, यानी 1 रुपये का एक बटन पड़ता है, अराउंड 40 कलर्स होते हैं इसमें। अच्छा ये बड़ी एक अच्छी एक्साइटिंग सी चीज़ आई है, अगर आप इसके अंदर जूम करें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर मोती भी लगे हुए हैं और नग भी लगे हुए हैं। ये पहले मेटल में आता था ये चीज़, अब ये क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता था, 22 रुपीज़ का एक बटन पड़ता था, तो अब उसी को उन्होंने कॉस्ट डाउन करके 4 रुपीज़ का एक बटन बना दिया, तो ये पूरा पैकेट 280 रुपीज़ का होता है, 72 पीसेस का। मटेरियल किस में? ये प्लास्टिक में? ये प्लास्टिक, प्लास्टिक में। जी जी सही। चलो इसमें भी कलर कितने मिल जाएंगे? इसमें अराउंड अभी 8-9 ही कलर हैं, इसमें मेन कलर ही हैं सिर्फ, बाकी जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो अभी नहीं आए इसमें। अच्छा ये जो है ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है, ये फ़ाइबर के बटन होते हैं, फ़ाइबर से बने हुए, इनको मोल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद उनके ऊपर शेड डाला जाता है थोड़ा सा एक एंटीक टेक्सचर देने के लिए। सर इसका पैकेट भी दिखाइए। ये पूरा पैकेट होता है 72 पीसेस का, और ये 350 रुपीज़ का पैकेट होता है, 5 रुपये तक का एक बटन पड़ता है। इसमें कलर कितने अवेलेबल होंगे आपके पास? इसमें कलर्स हर डिज़ाइन का अपना कलर होता है, हर डिज़ाइन में डिफरेंट कलर आएगा। अच्छा ये वुडन बटन होते हैं, ये 4 होल में भी आते हैं, 2 होल में भी आते हैं, इसमें शेप एंड साइजेस का ही होता है सारा, वरना वुड का अपना ही कलर होता है नॉर्मली, ये लाइट वुड होता है या डार्क वुड होता है। लेडीज भी यूज़ करते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये दोनों में चल जाते हैं। और ये एक अलग से चीज़ बनती है, ये कोकोनट के शेल से बनती है, तो ये कोकोनट बटन होता है, तो ये डबल शेड होता है, डबल साइडेड यूज़ भी हो जाता है, और अच्छी चीज़ होती है, ब्रेकेजेस की कमी आती है। ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड बटन्स हैं यहाँ के, ये ABS पे बनते हैं और ये लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं पाकिस्तान में। ये एक बटन है जो वाहिद बचे हैं, ये 2 बटन जो पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर होने, बाकी तकरीबन सारे बटन हम लोग इंपोर्ट करते हैं।
ये आपको 180 रुपीज़ का पैकेट पड़ता है 12 डजन का। इसके अंदर तकरीबन आपको ये 125 रुपये का एक दाना पड़ता है, और ये आपको उससे भी सस्ता पड़ता है, ये 220 का पैकेट होता है 24 डजन का, तो ये आपको 75 पैसे का एक बटन पड़ता है। इनमें 40-50 कलर आते हैं। जी जी, बहुत मुनासिब है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ये बनते हैं सीशेल से, सीशेल को काट के उसे मोल्ड करके ये बटन बनाया जाता है, और इसके इस तरह किसी ये 4 होल में भी आते हैं, 2 होल में भी आते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइजेस में आते हैं। ये ना पानी से ख़राब होते हैं ना इस्त्री लगने से चलते हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये थोड़े से महंगे होते हैं, ये तकरीबन 3-4 रुपये का एक बटन पड़ता है, और ये वाला तकरीबन 6-7 रुपये का एक बटन पड़ता है। उसमें कलर भी आते हैं? नहीं, सीशेल का अपना कलर होता है, सीशेल का अपना कलर होता तो वही आता है। अच्छा, ये जो है ना ये वुड के ऊपर स्क्रीन प्रिंट पर टेक्सचर दिया हुआ होता है, तो ये भी स्क्रीन प्रिंटेड बटन्स होते हैं, ये वुडन होते हैं सारे। ये कैजुअल सूट्स के लिए गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनमें डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट प्रिंट्स आते हैं। इसकी क्या प्राइस है? प्राइस भी ये थोड़ा सा आपको तकरीबन 10-15 रुपये का एक बटन पड़ता है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े से बड़े बटन की तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है, ये आप देख रहे हैं, ये 1 इंच से काफ़ी बड़ा बटन है, तो ये अराउंड इसको हम 35-36 एल कहते हैं। हाँ, लेंजेस में बटन आता है ये। कितने दर्जन है इस पैकेट में? इसके अंदर 6 दर्जन होते हैं, 72 पीसेज होते हैं, ये 350 का पैकेट होता है। 350 का पैकेट, हाँ। और ये ज़्यादातर वैसे ये लेडीज़ में जो है ना सूटों में ज़्यादा लगते हैं, तो वो ले जा सकती है बंच क्वान्टिटी में, गारमेंट्स में, लेडीज़ के सूट्स में, रिटेलर्स, होल सेलर्स, ये सब यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, ये थोड़े से यूनिक और डिफरेंट टाइप के बटन होते हैं, ये कैजुअल सूट्स में ही लगते हैं, ये बड़े साइज़ होते हैं, मल्टी कलर में, ये एंटीक कलर में होते हैं, ये भी बड़ा साइज़ है, ये थोड़े से यूनिक और फंकी लुक देते हैं। अच्छा, ये गोल्डन होता है, जो ये ताइवान से इम्पोर्टेड गोल्डन होता है, ये चाइना वाला गोल्डन नहीं होता है। हमेशा जो भी इस तरह का गोल्डन होगा ना वो चाइना से नहीं आएगा। इनके मुझे प्राइस भी बताइएगा। ये आपको 12 डजन का पैकेट 400 का मिलता है, 400 का, हाँ। ये 350 का मिलता है 6 डजन का पैकेट, ये आपको 25 दाने मिलते हैं 250 रुपये के, 250 रुपीज़ के, यानी 10 रुपीज़ का एक बटन पड़ता है। ये भी आपको इतने के पड़ते हैं, ये 180 के पड़ते हैं, सॉरी 180 के पड़ते हैं, 25, और ये आपको भी 72 पीसेस 350 के, ये भी 72 पीसेस 350 के। बहुत ही मुनासिब प्राइस है, क्योंकि माशाल्लाह से आप ये शॉप है वो होलसेल शॉप है। जी जी, चलें अभी मुझे एक एंटिक बटन दिखाइएगा, जो कि बहुत ही एंटिक हो, बहुत ही यूनिक हो, ताकि हमारे व्यूअर्स को वो भी पता चले, ताकि ब्राइडल में ज़्यादातर ब्राइडल और शादी ब्याह में जो यूज़। अच्छा, वो वाले गए हैं। चलें जी, अब हम आ गए ब्राइडल बटन पे, तो चलें आप बताइएगा कि ब्राइडल बटन के क्या क्या प्राइस हैं, और वैसे तो नज़र आ रहे हैं, और इनकी प्राइस भी बताएँ, और उसमें यानी क्या क्या क्वालिटी है ये भी बताइए। अच्छा, ये जो होते हैं ना ये ब्रास मेटल पे बने हुए होते हैं, ब्रास मेटल, हाँ, तो ये ख़राब नहीं होते इस तरीके से, इनका अपना यूनिक एंटीक कलर टेक्सचर होता है, ठीक है। जो गोल्डन होता है वो एक यूनिक सा गोल्डन होता है, ये नॉर्मल गोल्डन की तरह नहीं होता, जैसे आपने पिछले वक्त देखा होगा, और ये इनके अंदर नग लगे हुए होते हैं, मोतियाँ लगी हुई होती हैं, लटकन लगी हुई होती हैं, तो ये अलग अलग उसमें डिज़ाइन में बनते हैं, और ये ब्राइडल सूट्स में, ठीक है, स्कार्फ्स में, और इन तरह की चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। अच्छा, हमारी व्यूअर्स को ये बताइएगा कि ये भी पूरा पैकेट मिलेगा या एक दर्जन मिलेगा या सिंगल पीस में भी ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली इसकी थोड़ी सी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि एक ब्राइडल सूट है, तो ये एक बटन अराउंड 22 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, कोई बटन 18 रुपीज़ का, इस तरीके से पड़ता है। मुझे तो प्राइस बता दीजिएगा कि ये देखें, जैसे ये वाला है ये आपको 25 रुपीज़ का पड़ेगा, हाँ, ये वाला 30 रुपीज़ का पड़ेगा, ये 22 का है, ये 18 रुपीज़ का है, इस तरह करके अलग अलग। अच्छा, एक दर्जन से कम नहीं मिलेंगे? कम से कम एक दर्जन मिलेंगे जी। अब ये एक सबसे प्रीमियम बटन होता है, ये तकरीबन आपका ये अगर आप देखें तो ये 4-5 इंचज़ लॉन्ग होता है, ओह सॉरी 4-5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, सेंटीमीटर में आ गए, हाँ। तो और ये इसके अंदर जो नग होते हैं ये सब, ये भी ब्रास मेटल का बना हुआ होता है, ये प्रीमियम ब्राइडल सूट्स में लगता है। इसी तरह ये सिल्वर का होता है, ये भी इसी तरीके से बनते हैं, ये भी प्रीमियम ब्राइडल। दोनों के प्राइस भी मुझे बता दीजिएगा। ये अराउंड एक पीस आपको 35 रुपीज़ का पड़ता है, 35-40 रुपीज़ का एक पीस पड़ता है, ये वाला अराउंड आपको 29-30 रुपीज़ इसी तरह ही पड़ता है, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी, क्वांटिटी जितनी आती है, डिपेंड करता है कि वो कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। अच्छा अली भाई, लेडीज़ वैरायटी तो माशाल्लाह से बहुत है, अगर हम वीडियो बनाने जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो चलें वो कम्प्लीट नहीं, मगर हमारे व्यूअर्स को ये बताना ज़रूरी है कि आपके पास लेडीज़ वैरायटी बहुत है, और इतनी है कि माशाल्लाह से
ह्यूज क्वांटिटी है। तो चले हमने कहा वो तो काफ़ी कवर हो गई है, तो हम अपनी जेंट्स वैरायटी भी दिखाते हैं। तो चले आप मुझे जेंट्स वैरायटी भी दिखाइए। अच्छा चले ये देख लें, जेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे लो प्राइसिंग से। तो ये सबसे सादा बटन होता है, ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये MOP बटन होता है, नायलॉन से बना हुआ, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये 2 होल्स में या 4 होल्स में आते हैं, इनके अंदर 40 कलर्स आते हैं। क्योंकि अब जेंट्स में 40 कलर्स वैसे सुनने में तो अजीब सा लगता है, लेकिन जेंट्स के कलर्स सारे लाइट होते हैं और 40 शेड्स होते हैं, तो वो शेड्स में कलर्स आते हैं एग्जैक्टली। और ये बटन आपको एक तकरीबन 75 पैसेज या 60 पैसेज का एक बटन पड़ता है। तो यानी कि एक पैकेट कितने का पड़ेगा? ये एक पैकेट आपको 180 का। हाँ, और इसमें 24 डजन होते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद आते हैं थोड़े से ऊपर, ये होते हैं फाइबर के बने हुए बटन। ये वुडन टेक्सचर और वुडन लुक तो देते हैं, लेकिन ये बने हुए फाइबर के होते हैं। इसमें भी अराउंड 20 कलर्स आते हैं। ये आपको तकरीबन एक पैकेट 160 का पड़ता है, जिसके इसके अंदर 12 डजन होते हैं। हाँ, तो ये 1 रुपये 10 पैसे तरीके से कुछ पड़ता है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा और ऊपर, ये थोड़ा सा और फैंसी लुक में चले जाते हैं होल्स वाले। अगर आप इसमें देखें तो ये जो बटन होता है इसकी जो कॉर्नर्स होते हैं ये गोल्डन फाइल पे वो ही भी होती है, मोल्ड हुई भी होती है। तो ये जो गोल्डन फाइल की वजह से इसके थोड़े से प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। 220 का पैकेट बन जाता है अराउंड 1 रुपये 25 पैसे, 1.25 रुपये, इसी नहीं 1.5 रुपये तक का पड़ जाता तकरीबन जी। तो ये इस तरीके से ये जेंट्स वैरायटी में बटन आते हैं, क्योंकि जेंट्स में ज़्यादा सिलेक्शन होती नहीं है। और अगर हम थोड़े और आगे इलाकों में जाते हैं, जैसे कि सिंध में और पंजाब के लोग जो होते हैं वो थोड़ी सी फैंसी पहनना पसंद करते हैं, तो फिर हम इन चीज़ों पर आ जाते हैं। क्योंकि कराची से सारा माल जाता है पूरे पाकिस्तान में, तो ये जो लाहौर और ये जो पंजाब के जितने शहर हैं वो थोड़े से इस तरह के बटन पसंद करते हैं। ये तकरीबन 2-2.5 रुपये तक का बटन पड़ता है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं 20 के करीब और डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं। और उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो यही चीज़ अगर हम मेटल में ढूंढें तो यही चीज़ फिर हमें मेटल में मिलती है। ये तकरीबन आपको 5 रुपये का एक पीस पड़ता है, 72 पीसेस का पैकेट होता है और 350 रुपीज़ का होता है। तो इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं अलग अलग, जैसे ये देख लें ये सब नए डिज़ाइन अभी आए हैं। रेट हमारे, क्योंकि अब होलसेल की शॉप होती है, हम रेट बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने में हमारा ही नुकसान है। तो यहाँ पे हम मोस्टली वही रेट्स रखते हैं जो मार्केट कॉम्पिटिटिव हो। कार्ड दी। अच्छा अली भाई, वीडियो को एंड करते हैं। माशाल्लाह से वैरायटी आपके पास बहुत है, लेडीज़ में, जेंट्स में, और बहुत से यानी कि ऐसे बटन से जो मैंने खुद नहीं देखे थे, वो मामू बटन वालों के पास मैंने आके शॉप पे देखे। तो चलें आप अपना एड्रेस भी मुझे बताएं यहाँ पे, ताकि हमारी व्यवस्था आने में आसानी हो। देखिए, एड्रेस हमारा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप बोल्टन की तरफ आते हैं तो बोल्टन के बैक साइड पर एक इलाका है मीठादर, वहाँ पे मशहूर है एडी सेंटर। एडी सेंटर से आगे थोड़ा सा हमारी गली है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि आप बोल्टन में आगे किसी से पूछ लें मामू बटन वाले का है, वो आपको खुद पहुँचा देंगे। तो अल्लाह का शुक्र ये है। बाकी मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। चलिए, मुझे अपना कार्ड भी दे दीजिएगा, ताकि मैं आपका कार्ड जो है वीडियो में भी शो करूँगा और डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस होगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए, बहुत शुक्रिया अली भाई। चले जी, माशाल्लाह ऐसे ट्रेडर्स पे जो वैरायटी है बहुत ही ह्यूज वैरायटी है, और माशाल्लाह से इनका होलसेल काम है। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और विजिट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।